अच्छा तो तुम्हें इतना भरोसा नहीं है मेरे पे। आप ही तो बोले थे भाई कि तुम खा लेना एक बार, फिर तुमको पता चलेगा। बोला चलो भाई एक बार खा लेना, इन द सेंस के इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है ना, हाँ। अचार के साथ खाते हैं ना इसीलिए। शायद इसको, थेपला को अचार के साथ खाते हैं ना। अरे अचार के साथ भी उसको खाते हैं, चाय के साथ भी खाते हैं, फिर वो अपना गार्लिक की वो जो चटनी बनती है ना उसके साथ भी खाते हैं। तो टूपी भाई ये जो नीचे इको लिखते हो ना आप, ये मालूम क्यों मत लिखा करा करो? आपका जो डिवाइस है ना वो मुझको सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा साला इतनी लाइन में बैठता हूँ साला, कोई भी एक बंदा नहीं बोलता है इको आ रहा है, इको आ रहा है। यहाँ पे आप ही बोलते हो इको आ रहा है। बोला यार गजब यार, तो नीचे कमेंट क्यों करते हो? मुंह से बोल दिया करा करो यार भाई कि इको आ रहा है। अरे यार पता है कन्वर्सेशन खराब हो जाती है ना उससे। पर पता नहीं यार मेरी ये देखो ना, नीचे व्यूअर भी लिख रहे हैं नो इको नो इको, आप ही की तरफ से आता, कभी भी नहीं आता साला। व्हाट हैपेंस ऑलराइट। सूफी? अरे और यार सूफी कुलदीप भाई भाई कहाँ कुछ पे हो नहीं है आजकल? ये वेंचर लाइव में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई है क्या? 11 बज रहे हैं। हाँ पता नहीं, हाँ मतलब कि व्यूअर्स नोटिफिकेशन जा रही है नहीं जा रही है? एंगेजमेंट थोड़ी कम लग रही है मेरे को, पहले तो ठीक आ रही थी यार। अभी अभी मैं एक को पकड़ के लाओ गाली देते हैं तो भोसड़ी वाला ऐसे ही बढ़ जाएगा व्यूअर। व्यूअर तो अक्की भाई हेलो क्यों लाए हो यार? भाई, राम मैं राम बोले जी। कि अक्की भाई सनोडी भाई कैसे हो? राम राम जी। बस मैं भाई ठीक हूँ अक्की भाई, और बताओ कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ जी, आप बताइए। अरे यार मैंने अच्छा आपकी एक अच्छा लाइव देखी यूट्यूब में यार, पर वो दीपक कला तो मस्त लपेटे में ले रहा था आपको। नहीं बाबा, उसका पहले ही फोन आया था, बोल रहा था कि भाई लाइव आ जाओ, ऐसे ऐसे हाँ करेंगे। अरे मैंने हाँ कहा यार रहने दे, कह रहे आओ ना प्लीज, बहुत दिन हो गए, लोगों हाँ को लोग भी चाहते हैं। मैंने ठीक है हाँ चला जाते हैं, उसकी बात माननी पड़ती है, वो अपने मैंने की चल कोई नहीं, थोड़ा सा बोल भाई मेरे को ऐसे बोला भाई लिया मैं तुमको गाली दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं बोला मां कोई ऐसे दिक्कत नहीं पूछता होगी भी यार, था दे देना गाली। तो भाई वो मेरे को लाइव में लेके बोलता है इसकी माँ कुत्ते से चूदी घोड़े से चूदी। मैं बोला माँ की चूदी लाइव अच्छा खत्म होने के बाद? बोला भोसड़ी वाले गाली देने के लिए बोले थे पर इतनी गंदी गंदी साला। ऐसे करता है, मुझसे भी कह रहा था कि भाई मैं आपको थोड़ा सा रोस्ट करूंगा, थोड़ा मतलब हाँ ऐसे ही हम आपस में बात करेंगे। मैंने ठीक है बहन, तो वहां जाके बोलने लगा तू कुत्ता है ये, अरे मैं भोसड़ी नहीं हूँ क्या? फिर तो लाइव थी, मैं कुछ बोला ही नहीं, चुप रहा। मैंने की बोलने दे मैंने कोई बात, साला फोन पे कुछ और बोलता है, लाइव पे आके कुछ और करता है, इस पे भरोसा नहीं करना आपसे आगे। अरे आप बहुत ही हरामी है साला, चूतिया बनाता है भाई साहब। फिर बाद में कह रहा है अक्की भाई आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कि नहीं, गांड मान ले आके भोसड़ी के, जब भी बुरा नहीं लगेगा। मैंने कि क्या बात कर रहा है, मैंने कि जब सारी इज्जत तो तूने उतार दी, और फिर पूछ रहा है बुरा नहीं लगा? मैंने कि अरे नहीं मेरे लगा, साथ कतई बुरा नहीं भी लगा। स्टार्टिंग में ये ऐसा ही कर रहा था कि लाइव पे आ जा ठीक है, और दो चार डायलॉग मुझे बोलता था कि मैं ऐसे ऐसे डायलॉग बोलूंगा। फिर मैंने बोला यार दीपक तूने तो आज बहुत ज्यादा बोल दिया, तो बहन का लौड़ा मुझे ऐसा बोलता था कि देख पनौड़ी ऐसा होता है कि अभी मेरी गाली है ना तुझे बुरी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे साथ जुड़ेगा ना मेरी गालियां तुझे फूलों की तरह लगने लगेगी। हाँ भाई उसके साथ यही सिस्टम अपनाओ, कभी वो ऐसे बोले ना कि ऐसे आ जाओ भाई तो आ जाओ, पर जब वो पेलने लगे तो वहां पे पेलने भी लगो। अरे यार दीपक भाई यार आपने ही तो बोला था यार रोस्टिंग करना था, कर दिए यार। अब मेरी सही समझ बात में आ गया, अब साला फोन करके बोलेगा मैं जाऊंगा ही नहीं इसके पास, अगर जाऊंगा तो फिर इसकी उल्टी उतारूंगा। राइट। सूफी म्यूट है, सूफी गजनी के हीरो म्यूट है, लगा अच्छा। अपने में से यार सबसे के अच्छा म्यूट, ये बाबा म्यूट लगा के भूल जाता है कि मैंने म्यूट भी लगाया। पूरी लाइव खत्म हो जाएगी, हम तीनों आपस में बात कर लेंगे, ये चूतिया बोलता रहेगा, मैं सुनेगा कुछ नहीं, ये सोचेगा मेरी आवाज जा रही है इनको। ये गजनी का बराबर। हीरो है दूसरा।
अरे कैमरा वैमरा तो ऑन कर रहे यार आप लोग। यार आज मुझे कैमरा बंद करके फील है। अरे बाबा की तरफ कैमरा लो भाई छुपी भाई, कैमरे से क्या है भाई, अब लोगों ने शकल तो देखी हुई है ना। अरे भाई आ जाओ कैमरा, ये गिरा हुआ इंसान की स्टाइल है ना, उसको कॉपी सब कोई कैसे कर सकता है, कैमरा बंद करने वाला। यही सोच रहे थे बाबा की कॉपी करें, थोड़ी देर कैमरा बंद करके बैठे। ये सब सिस्टम और भाई अभी तुम्हारी कंपटीशन कब है, दिसंबर में? हाँ जी, हाँ जी भाई दिसंबर में। अच्छा तो प्रैक्टिस शुरू हो गई तुम्हारी? जी भाई, जी भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डाइट पे चले गए? डाइट पे चले गए। वाह, आप क्या आप कर रहे थे एक्सरसाइज? एक्सरसाइज कर रहे थे आप, करते हैं कि बंद कर दिया आपने? कौन मैं? हाँ हाँ भाई, मैं तो हर रोज मतलब के 200 डंटों मैंने पेलने ही है हर रोज। वाह यार, हाँ 35-45 का एक मेरा सेट होता है, तो अपना आधे घंटे में मैं 200 डंट मतलब पेल लेता हूँ। ठीक है, हाँ मैं तो सालों से यही कर रहा हूँ, इसीलिए तो मतलब के मेरी चेस्ट ये सब थोड़ी ब्रॉड है ना। राइट, आदमी ना जाए जिम अपना थोड़ा का। हाँ मतलब के यार मुझे कोई ये डोले सोले का शौक नहीं है, बट कीप इन फिट के भाई, पर्सनालिटी देख के किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए के वेंचो, यू नो मतलब के वो आज के लौंडे लबाड़ों को होता है ना के वेंचो चेस्ट के ऊपर तुम ऐसे करो तो वेंचो वो औरतों वाली चेस्ट होती है, लटक जाती है मोटी। हाँ 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 हाँ, तो वो बहुत ही गंदा दिखता है यार, मतलब बहुत ही गंदा दिखता है वो। अगर तुम किसी को बहन चो हक भी करोगे ना तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि बहन का लौड़ा किसी। हाँ तो भाई जस्ट कीप इन सेफ भाई, मैं तो यही करता हूँ बाबा, मतलब कि ये इतना नहीं है कि भाई हर रोज 2-4 घंटे जिम में बिताओ और यू नो। हाँ लेकिन अब देख गजनी फिर भूल गए, म्यूट लगा के फिर भूल गए गजनी। अच्छा यार पनोड़ी भाई, उसका क्या हुआ यार, कल आप इतना बड़ा कल मैटर हुआ था हमारे समाज में, ऐसी वो सारी बात हुई कुछ उसका? अरे छोड़ो तो यार, क्या फालतू तो यार, क्या बोलूं मैं। चलिए यार, मैं तो बस एक जस्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा था भाई। हाँ। क्या हुआ, कार्रवाई हुई? कल तो बहुत बड़ी बात हो रही थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। राइट 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 राइट, यार देखो सारी चीजें कभी कभी ऐसी होती है जो टाइम से नहीं होती, ठीक है, लेकिन चीजें होती जरूर है। राइट ओके, के भाई आज मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं आज से मतलब के एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिम में जाऊंगा, तो वो जिम में जाने की एक सोच होती है, एक्चुअल जिम में जाना फिर पता नहीं 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो। राइट तो आदमी की सोच बुलंद होनी चाहिए, ठीक है, तो बस यही सारी चीजें होती है। और मतलब के भाई देखो, अब शासन प्रशासन तो बैठा हुआ है, हम तो कुछ है नहीं करने वाले, शासन प्रशासन तक गुहार लगा दी है, अब देखते हैं शासन प्रशासन उनके कायदे के अनुसार जो भी स्टेप लेंगे वो भाई सोच समझ के ही लेंगे ना, क्योंकि संविधान तो सबके लिए एक समान ही होता है। राइट तो देखते अब क्या होता है सूफी भाई। और भाई मैं तो ये मानता हूं जी के ऐसे किसी को भी भाई मतलब के किसी को भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये कुलदीप भाई पूछ रहे वकील साहब कहाँ है। यार देखो तो कुलदीप भाई कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इसकी वजह से जो आज लाइव होने वाली थी उसमें कुछ रुकावट आ गई, तो इसकी वजह से मैंने लाइव को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, क्योंकि यार जो पूरे मतलब के ही इज नॉट अ कॉमन मैन,
राइट। तो भाई वो बंदा भी कहीं ना कहीं बिजी रहता है, इतने सारे दुनिया भर के हजार केस होते हैं, तो इसकी वजह से आज कुछ रुकावट आ गई, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा रुको, हाँ उनका ही फोन आ रहा है, उनका ही फोन आ रहा है, मैं सुपी भाई 5 मिनट में ऐड होता हूँ, 5 मिनट में। अच्छा, अकी भाई आपका कंपटीशन कब आ रहा है अभी? मेरा दिसंबर में आएगा, दिसंबर 28 के समथिंग है। अच्छा, अभी बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है दुबई प्रो शो, जिसमें जो रवि भाई है ना, रवि चौधरी जो भाई है मेरे, जो मुझे गाइड करते हैं, जिनकी मैं पोस्ट डालता हूँ, वो जा रहे हैं इंडिया से खेलने, तो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। बाकी इसी 21 एंड 22 का है, इसी का ही, तो अभी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत तगड़ी स्टैंड पे, इतनी तगड़ी फिजिक बनाई है ना कि जहां तक उम्मीद है ऊपर वाले का आंसू उतर आया, तो भाई गोल्ड मेडल मार के लाएंगे इंडिया का झंडा। इंडिया हो रहा भाई है, इंडिया में हो रहा है कि इंडिया से बाहर हो रहा है? दुबई 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 प्रो शो दुबई। अच्छा, दुबई में दुबई प्रो शो भाई आप भी कंपटीशन कर रहे हो अभी? नहीं, मैं तो अभी फिलहाल इंडिया के ही खेलूंगा, इंडिया के बाद अगर लव स्टेट अपना पूरा स्टेट खेल के उसके बाद अगर जो ओलंपिया में देखेंगे, ओलंपिया में लग गया तुक्का, तो फिर तो बाहर जरूर कंट्री बाहर कंट्री खेलेंगे यार। तो ड्रीम है मेरा कि एक बार मैं बाहर जाऊं किसी भी कंट्री खेलने एक बार। अब अगली बार होगा जहां तक भी है, पंजाब भी आएंगे हम, पंजाब भी होगा कंपटीशन हमारा, वहां भी आएंगे। देखो आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, आपने यूथ के लिए सैंपल सेट करी यार, समझ रहे ना सारी बात। अरे आया, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, आवाज एक ब्रेक हो रही है। कवर उतार नीचे, भारती बैठे, भारती डिंगला, भारती धींगड़ा तो ले लो। भारती भी हमारे यूथ की एक बहुत अच्छी लड़की है, जो यूथ के लिए कुछ कर रही है, अपने आप को जिम में हिला रही है, फिट हो रही है। भारती भी बहुत अच्छी लड़की है। आगे पनौड़ी भाई भी आ गए। सूफी भाई म्यूट हो गया। हाँ एक मिनट, मैं री एड करता हूँ पनौड़ी भाई को। अच्छा, ये वकील साहब भी आए हुए हैं क्या? एक मिनट, मेरा थोड़ा सा ना इसमें इशू आ रहा है, एक सेकंड होल्ड करना। इसमें इशू आ गया पनौड़ी भाई, कैमरा ऑन कर लो यार आप अपना। अरे एक मिनट सुफी भाई रुक जाओ। पनौड़ी भाई किनको ऐड करना है? प्रकाश भाई राम राम, प्रकाश नंद भाई राम राम भाई। और सूफी भाई आप तो बैग वैग नहीं मार रहे यार? यार मैं ना योगा स्टार्ट कर रखी है, सुबह योगा करता हूँ, जाता हूँ क्लास में। सुबह लाइट चल रही थी, ब्लैक डॉग की योगा चल रही थी भाई। देखो मैं कोशिश करता हूँ लेट 12 बजे तक सो जाऊँ। हैं? लेट से लेट 12 बजे तक सो जाता हूँ भाई। तो सुबह तो पी रहे थे? अरे वो तो आज संडे था ना, सुबह दोपहर के बाद उठ के भाई थोड़ा सा मन किया तो इट हैपेंड समटाइम्स। सुबह कितने बजे? 10 बजे लाइव चलाई थी तुमने, 10 बजे मैं देख रहा था जब क्या नाम है यार, एपी थी, एपी। अजी मेरा घंटा बोतल देखी थी पूरी, ब्लैक डॉग की। अरे सूफी भाई नीचे एक आईडी है neeraj.kumar81, वो वकील साहब है। neeraj.kumar81। Okay.
पनोड़ी भाई आपके पीछे से हल्की सी हवा की आवाज आ रही है, अब ठीक हो गई भाई। अरे कैमरा ऑन कर लो नीरज, neeraj.kumar81 इनको ऐड करो, ये वकील साहब है। हेलो सर, राम राम जी। हाय हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाए कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप लोग बताइए सभी कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 19 और 28 को है आपका कंपटीशन? जी 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 है, उस दिन मेरा बर्थडे है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है जी, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। मेरे भाई आपकी वीडियो देखी थी हमने, आपकी इंटरव्यू देखी थी हमने सोशल मीडिया पे, वो मैंने कल एक कंप्लेंट करी थी उसकी वीडियो थी वो। अच्छा। वो मीडिया की, हाँ वो मीडिया में मैंने वाइट दी थी, जो मैंने एक सोशल मीडिया पे एक बैड एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एक गंदे तरीके से जो एक समाज के लिए कल बोला गया था, तो उसके उसमें मैंने कंप्लेंट भी दी थी। मेरी कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हो गई है, कंप्लेंट का नंबर जो है 3445P2169/2023 सेंट्रल थाना में। अब देखते हैं कल इसमें दोबारा पुलिस ने हमें बुलाया है तो उसमें आगे की कार्रवाई देखते हैं कि FIR करेगी पुलिस या फिर देखते हैं आगे क्या करने वाली है। आज भी मैंने उस पर फॉलोअप किया है। अच्छा, मतलब कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है? हाँ हाँ, कंप्लेंट नंबर मेरे को मिल गया है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है 3445P2169/2023 की। अच्छा अच्छा, तो आप मैंने मैंने एक वीडियो देखी, मेरे को वीडियो में पता चला कि यार कितना गलत बोला है वो। एक तो लेडी है कोई गुड़गांव की सेविंग करके आईडी से, हां सनोड़ी भाई अपना कैमरा ऑन कर लो सर आप। अच्छा भाई, अभी इसके ऊपर कौन कौन सी धारा लगी है जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई, क्या क्या धारा लगी है इसके अभी? कंप्लेंट में कभी धारा ही नहीं लगती, कंप्लेंट में कभी धारा ही नहीं लगती, जब FIR लॉन्च हो जाती है। अच्छा, FIR में सेक्शन मतलब दरखास्त दे दिया आपने? हाँ, अभी दरखास्त दी है और उसका जो एक नंबर है वो हमें नंबर मिल गया है और होपफुली देखते हैं कि कल या परसों तक इसमें FIR लॉन्च हो जाएगी। इसमें SC ST एक्ट लगेगा, IT एक्ट लगेगा और इसमें और भी देखते हैं कि और क्या ऐड करा सकते हैं। अभी दो सेक्शन तो बिल्कुल ही कंफर्म है, SC ST एक्ट और IT एक्ट। मतलब कल हमारे साथ एडवोकेट जुड़े थे, वो बता रहे थे कम से कम 6 महीने की तो कैद है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इस पे जमानत भी नहीं होगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जमानत नहीं होगी, स्पेशल कोर्ट में चलेगा ये, SC ST एक्ट में जो इसका स्पेशल कोर्ट है, सेशन कोर्ट बोलते हैं उसे, सेशन कोर्ट में इसकी जो भी कार्रवाई होगी वो वहां पे चलेगा और FIR होने के तुरंत बाद इसकी अरेस्टिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नीरज भाई, आप जो भी कर रहे हो समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, आप बहुत ही सही कर रहे हो और ये सारी चीजें होनी भी चाहिए। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पे आके समाज को बांटने की बातें करोगे या तो समाज के अंदर ऐसा कोई स्टेटमेंट दोगे जिससे लोगों की जो लोगों की जो अपना ये क्या बोलते हैं, जितनी भी कम्युनिटी होती है राइट, सारी कम्युनिटी को हर्ट हो, ऐसा तुम कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते हो। और देखो नीरज भाई, ये आर्टिकल 40 अगर आप पढ़ोगे भारतीय संविधान में, उसमें लिखा है कि ना तो राज्य के हिसाब से आप किसी को बांट सकते हो, ना धर्म के हिसाब से, ना जाति के हिसाब से, ना जगह के हिसाब से, तो ये मतलब ही नहीं बनता। और आप ये अभी आप लोग ये बोलते हो कि इंडिया ने इतना डेवलप कर लिया, हमने वैसे तो डेवलप कर लिया मगर हमने अपनी सोच को तो डेवलप किया ही नहीं। आप क्या बोल रहे हो, आई एम आचार्य डॉटर, आई एम नॉट ए चूड़े चमार डॉटर, नॉट ए मुस्लिम डॉटर, मतलब। और फिर आप उस वीडियो में आगे बोल रहे हो कि पंडितों में आचार्य सबसे बड़े होते हैं, मेरे सामने पंडित बैठ जाओ, मतलब ना तो तुम अपने ही धर्म की अपनी जात की रिस्पेक्ट कर रहे हो और ना ही दूसरे की कर रहे हो। सही बोला, हिंदू है ना, अपने नीरज कुमार भाई साहब है, ठीक है, पेशे से ये वकील है, तो जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ स्पेशल जो पनोड़ी आर्मी के बंदे हैं जो मेरे सपोर्टर हैं, तो भाई आज तक की जितनी भी वो औरत के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दी गई है,
सारी स्टेटमेंट की क्लिप्स आप ये नीरज भाई को भेज दो, उनको कोर्ट के अंदर बहुत सपोर्ट मिलेगा। और जिस तरह से ये अभी उसने, अभी मैं आपको बताता हूँ नीरज भाई, अभी शायद 2 महीने पहले या 3 महीने पहले की बात है, इसने एक बुजुर्ग पुलिस कांस्टेबल था उसको बहुत गाली दी थी, पता है तुम्हें वो? ये मेरे को नहीं पता, मेरी नॉलेज। हाँ तो भाई वो वीडियो भी है, वो वीडियो भी है, तो उसने बहुत ही गंदी गंदी गाली दी थी, वो वीडियो भी ये नीरज भाई को भेज दी जाए। मेरे को प्रोवाइड, और हाँ उसके उसकी बहुत सारी वीडियो है, मतलब के नीरज भाई आपने बहुत ही सही कदम लिया। इसने जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि हिंदुस्तानी बाऊ है, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सबको ये गाली देती है दारू पीने के बाद। अभी मैं लास्ट एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक लड़का था, वो किसी लड़की से प्यार वगैरह करता था। हाँ। प्यार करना बुरा नहीं है। कुछ लोग आए, उन्होंने उसकी ऐसे मार लगाई कि उसके दोनों पैर डेड कर दिए। वो इतनी गरीब लड़की है, वो बिहार की रहने वाली है, यहाँ पर हमारे फरीदाबाद में एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती है। मेरे पास वो आए तो मैंने उनके केस रजिस्टर्ड कराया, FIR रजिस्टर्ड कराई उन लोगों के अगेंस्ट में, और उसके लिए भी मैं फ्री में काम कर रहा हूँ और मैं ऐसे काम करता रहता हूँ। लॉजिकली तो आप एक तरफ तो कहते हो कि हमारे पीछे 3 लाख लोग फॉलोवर्स हैं, मगर इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हो आप। 3 लाख लोग फॉलोवर्स हैं तो आप उनका यूज करो ना किसी के अच्छे कामों के लिए। ये तो गलत काम कर रहे हो आप। आप सोशल मीडिया में एक वेरीफाई अकाउंट चला रहे हो, ब्लू टिक मिला हुआ है आपको, और आप किस तरीके की भाषा का यूज कर रहे हो? किसने दिया है इनको इस तरीके का राइट? या तो इंस्टाग्राम ने इनको दे दिया, या फिर इनके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। और चलो हाथ भी है, मतलब इस तरीके की कोई भी भाषा नहीं का प्रयोग नहीं कर सकता कोई भी।